ठीक है, ऑलराइट, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले, ऑलराइट, इंट्रोड्यूसिंग माय नेक्स्ट क्रिएटर ऑन स्टेज विथ 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अपने नाम के पीछे बहुत प्राउडली यादव लगाते हैं ये। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक सम नॉइज फॉर एल्विश। तुमने तो पता ही है भूपा बदमाश है। क्या हाल है सबके? तुम तो बहरा कर दोगे यार। देखो, मेरे लिए मचना चाहिए सबसे ज्यादा शोर। क्योंकि एक तो जो है दिल्ली बोल के गुड़गांव में फैन फेस्ट हो रहा है। भाई तेरा घर है, तुम्हारा भाई इसी गुड़गांव से है। और दूसरा तुम्हें तो पता ही है फूफा बदमाश है भाई। चाचा तो बदनाम है ही, पर फूफा ज्यादा बदमाश है। मैंने यहाँ पे आने से पहले कॉल करा फूफा को, मैंने किया ऐसे ऐसे मैं फैन फेस्ट में जा रहा हूँ तो साथ चलोगे तो बताओ। फूफा कहते हैं भाई फैन फेस्ट बून फेस्ट में नहीं आ रहा मैं, सीधा वीडियो में आऊंगा। तो लिया हूँ वीडियो में फूफा ने, तो कौन सी वीडियो लाऊं? अगली वीडियो में लिया हूं। मैंने 2.5 साल हो गए थे वीडियो बनाते, मैंने सोचा करता है यूट्यूब वाले फैन फेस्ट में कद बुलाएंगे, इतनी बुरी तो शकल भी ना है, या बुरी है? हाँ बोल रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ। देखो चलो कुछ भी हो, आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ फैन फेस्ट के स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो माँ कसम ऐसी फीलिंग आ रही है कि लट सा काट दिया। और इसका सबसे बड़ा थैंक यू जाता है आप लोगों को, तो एक बार मेरे लिए नहीं अपने लिए शोर मचा दो यार। क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो शायद मैं भी यहाँ पे ना होता, तो इस प्यार को कम मत होने देना, क्योंकि तुम्हें पता ही है पैसा बहुत है, प्यार चाहिए, तो प्यार कम तो नहीं होने दोगे भाई? सच में बहरा ही कर देंगे भाई, बहुत कानों में आ रही आवाजें। कोई बात नहीं, बहरा होने तो चिल्लाओ तुम लोग, जब बुलाऊंगा तब आना। ऐसे स्क्रिप्ट के बीच में वो नहीं। देखो वो लास्ट में आया उसके लिए मैंने सोच रखा है। यहाँ पे जितने भी बालक आ रखे सारे स्कूल और कॉलेज के ही है ना भाई, तो मैं तुम्हें बता दूं कि थोड़े से दिन रह रहे हैं इन्हें जीलो ना, तो आने वाली लाइफ में इतनी ऐसी ऐसी होने वाली एकदम सोच भी ना सको। मैं तुम्हें बता दूं अपनी, मेरे घर वाले कह करते भाई 12वीं कर ले लाइफ सेट है, मैंने 12वीं कर ली। फिर कहते तू कॉलेज खत्म कर ले लाइफ पक्का सेट है, मैंने कॉलेज भी खत्म कर लिया स्कूल भी खत्म कर लिया, लाइफ तो दूर की बात, यहाँ बहन जो बाल भी सेट ना हुए, अब भी हाथ मार मार सेट करने पड़ रहे हैं। अब तुम ये बताओ वैक्स लगा के
अब सरसों के तेल का टाइम गया भाई। तो अब मेरे को ये बताओ कि तुम में से यहाँ सिंगल लौंडे कितने? ये मैंने खुद ही बना लिया, स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अच्छा चलो अब ये बताओ लाइफ सेट कैसे होगी जब घरवाले दो के बाजू, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? चलो एक बार शोर मचा दो, मैं थोड़ा बोल सका। देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, बहुत ही मतलब अंदर की बात है, लौंडे लौंडे की बात। आधे जो इतने दूर दूर से लोग आ रखे, इतने लड़के आ रखे, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रखी हैं, आगे खड़ी हैं जो बिल्कुल सामने दिख रही है, नजर नहीं हट रही मेरी। सेल्फी भी लेंगे मीट एंड ग्रीट पे। तो देखो आधे लौंडे यहाँ पे आ रखे हैं ये सोच के कि परफॉर्मेंस तो देखी जाएगी, या भीड़ में कोई छोरी छारी सेट हो जाए तो बहुत बढ़िया। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? देखो मेरे जब सेटिंग करनी हो ना तो मेरे पास तो आना मत, क्योंकि तुम्हारी सेटिंग का पता ना तुम्हारा ब्रेकअप जरूर करवा दूंगा, और पता है क्या बोल के करवाऊंगा, जो कि हर वीडियो में एंड होता है, अब निकल जाए आता है पागल सी। अब पागल सी से याद आया, मैं बुलाना चाहूंगा अपनी टीम को स्टेज पे, आजा तो आजा। अरे भाई पूरी बांध दो यार, अकेली देख के खुश हो रहे हो, आगे बुला दो यार उनको भी, थोड़ा समझ रहा ना सहम रहे हैं। सारी टीम नहीं आ पाई मेरी, पर जो भी आए हैं बहुत अच्छे हैं। अगर जो नहीं आ पाए, अगर मेरे को कहीं पे भी YouTube पे देखेंगे तो मेरी तरफ से सबको लव यू है। बाकी ये कोई भी वीडियो बनती है उसमें 10% काम मेरा होता है और 90% इन लोगों का। तो एक बार इनके लिए शोर मचा दो यार, और इतना शोर मचा दो बहरा कर दो इनको भी। मैं इससे कह रहा था फैन फेस्ट से पहले कि भाई फैन फेस्ट का ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आया यूट्यूब वालों का कि आपको परफॉर्म करना है, तो मैं ऐसे कह रहा यूट्यूब पे क्या चीज़ परफॉर्म करूँ, कहती डांस कर दे पागल सी तो है, कहती डांस परफॉर्म कर।